हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड का टॉपिक। फॉरेन ट्रेड का छोटा सा टॉपिक है, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, एंड एज वेल एज वी आर गोइंग टू कवर द टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड इन दिस वीडियो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले आपको बता दें, हमने रिसेंटली जो है एक वेबसाइट शुरू कर दी है, वहाँ पे आपको बहुत जल्द सारे के सारे नोट्स दिख जाएंगे। सो वेबसाइट कौन सी है आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हो। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इसको पहले हम दो अलग अलग शब्दों की तरह देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर फॉरेन एंड सेकेंड वन इज योर ट्रेड। ट्रेड मीनिंग्स नॉर्मली जो आप सेल परचेज करते हो, नॉर्मली आप जो बिजनेस करते हो एक दूसरे के साथ, सामान मार्केट में खरीद बेच करते हो, दैट इज ट्रेड, अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें। और वहीं फॉरेन मतलब हो जाता है जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं या एक दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यानी कि सेल एंड परचेज होना किन के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है, ये ट्रेड है बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज, यानी कि पूरी दुनिया के जो जितनी भी कंट्रीज आपकी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हमारे आसपास यही सब है तो हम इन्हीं के नाम ले रहे हैं, ठीक है। और अमेरिका हो गया, रूस हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो ये सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में। और इन्हीं कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड हो रहा होता है, सेल परचेज हो रहा होता है, तो उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। इससे साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक कंट्री से बाहर अपना सेल परचेज कर रहे हो, तो इसलिए एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। और इंटरनेशनल यानी कि एक नेशनल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हैं, सो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड भी इसका नाम दिया गया है। डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वैसरमैन एंड हॉल्टमैन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जो कि थी, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसैक्शंस बिटवीन रेजिडेंशियल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कंसिस्ट होता है, जहाँ पे दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रेजिडेंट जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में उनकी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे इंडिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है वो जापान में बैठे हुए व्यक्ति के साथ कोई सामान खरीद रहा है, उससे जो है माल उठा रहा है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू रेजिडेंशियल पीपल, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रेजिडेंशियल है। सो यहाँ पे रेजिडेंट जो है वो अलग अलग कंट्री के हैं और उनके बीच में एक ट्रांजेक्शन हो रही है, एक ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली यहाँ पे तीन टाइप के फॉरेन ट्रेड को बांटा गया है, फॉरेन ट्रेड को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान मंगाते हो, इम्पोर्ट करते हो, हिंदी में बोलते हैं आयात और निर्यात, इम्पोर्ट यानी आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट यानी आयात यानी माल आ रहा है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि आयात यानी आ रहा है, सो इट मीन्स कि बाहर की कंट्री से आ रहा है, और निर्यात यानी एक्सपोर्ट यानी माल जा रहा है, यानी हमारे यहाँ से जा रहा है, उसकी निकासी हो रही है, निकासी का भी मतलब होता है निकलना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि निर्यात यानी निकल रहा है, सो निर्यात निकल रहा है यानी एक्सपोर्ट हो रहा है, सो एक्सपोर्ट ट्रेड। और इम्पोर्ट ट्रेड यानी कि इम्पोर्ट यानी आयात, आयात मीन्स आ रहा है, आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, भगवान के ऊपर से तो आ नहीं रहा होगा, तो दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्री में आ रहा है, सो उसको कहा जाता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। इम्पोर्ट ट्रेड क्या बोला गया है, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई आपने परचेज की है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर, तो दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सो गुड्स या सर्विसेज का आपने इम्पोर्ट किया है, उसका इनफ्लो हुआ है आपकी कंट्री में, सो आपकी होम कंट्री में इनफ्लो हुआ है, कहाँ से, किसी फॉरेन कंट्री से, सो दैट इज़ अ एक तरीके से एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या करता है, इम्पोर्ट करता है इराक से बहुत सारा पेट्रोलियम, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, इन सब से जो है पेट्रोलियम इम्पोर्ट करता है, सो ये क्या हो गए, इम्पोर्ट ट्रेड हो गए।
नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि जहाँ पे आप अपना सामान दे रहे हो किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री में आप सामान भेज रहे हो, बेच रहे हो. एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री और आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री. यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हो रहा होता है किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री में उसका आउटफ्लो हो रहा होता है गुड्स का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या जिसको हम कह रहे हैं फॉरेन कंट्री, उसमें जो है आउटफ्लो हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी, ठीक है. चाय इंडिया में बहुत फेमस है, चाय के शौकीन बहुत है इंक्लूडिंग मी, तो चाय बहुत फेमस है, ठीक है. चाय वाला भी बहुत फेमस है, तो चाय और चाय वाला दोनों बहुत फेमस है और चाय का तो एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया पे बहुत बड़े लेवल पे. राइस का, ठीक है, फ्यूट का एक्सपोर्ट होता है चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में, एटसेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इस एंट्री पोर्ट ट्रेड. एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब आप कोई सामान किसी और कंट्री से आपने खरीदा, फिर उसमें कुछ जोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा और उसको किसी और को चिपका दिया, किसी और कंट्री में उसको बेच दिया. यानी कि आपने कहीं से उठाया, कुछ माल उठाया, उसमें कुछ प्रोसेसिंग की, उसमें कुछ काम किया, उसको थोड़ा सा और फिनिशिंग दी, एंड देन आप उसमें क्या हुआ, दोबारा आपने उसको सेल ऑफ कर दिया किसी और कंट्री में. सो दैट इज, दिस इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड. सो एंट्री पोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन. यानी कि आपने क्या किया, एक परचेज किया, गुड्स परचेज किए, सर्विसेज परचेज किए एक कंट्री से, उसको जो है फिर उसमें कुछ काम किया और वापस उसको जो है बेच दिया, कुछ उसका प्रोसेसिंग किया, ऑपरेशंस किया प्रोसेसिंग का, एंड देन सेल कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल जापान इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एटसेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड. अब क्या करता है जापान एक मार्च लेवल पे इंग्लैंड से क्या करता है, एक तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तभी पड़ोसियों के कुकर बजते हैं और लड़कों की बाइकों की आवाज़ जो होती है ना उसी वक्त निकलती है. सो फॉर एग्जांपल देखो जापान क्या करता है, इंग्लैंड से अपना रॉ मटेरियल खरीदता है. जापान टेक्नोलॉजी में आप सभी को पता है बहुत नंबर वन है, ठीक है. बहुत सारा उसका एक तरीके से टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी जापान की है, पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया है. तो इसीलिए उसको जो है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो काफ़ी अच्छे मार्च लेवल पर इंग्लैंड वालों से वो इम्पोर्ट करता है, देन उसका काम करता है और देन उसका जो है एक्सपोर्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का. जर्मनी, फ्रांस से भी उसके जो है इंपोर्ट्स होते हैं जो उसके रॉ मटेरियल है, एंड सेल दैट टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग देम. और उसका प्रोसेसिंग करके वो क्या करता है, दुनिया में बेच देता है. सो ये आपका होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड. एंट्री पोर्ट ट्रेड आपका इस तरीके से कहलाया जाता है. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस. आज हमने देखा फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. कब दूंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, इतना तो मैं भी नहीं बता पाती. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.